Very good morning, students. So today we are going to demonstrate to you how to clean brass articles and EPNS articles. So we have already done some theory on it. You know, metals get tarnished with age. So you see this particular metal, this is brass. Now it may look clean to you at present, but this is actually not clean. What I'm going to do is, I'm going to clean a small area today. And then you can compare from the other side as to what is the difference between the two surfaces. Okay, so this is a brass planter. Now that is a very common thing in hotels. You come across a lot of things. You can have planter like this, you could have a flower vase, or you could have any other decorative article. It could be the stand of a lamp, which you have read, as in the floor lamp or bedside lamp or wall lamps. Okay. So today we'll begin with this work. Now for brass, there are two ways you can clean. One is called a traditional method. The traditional method, we use this tamarind pulp, imli. आप सबने इमली देखी होगी, तो इमली में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये इस तरह से गाढ़े पेस्ट का रूप ले ले. तो ये जो गाढ़ा पेस्ट है, इसमें इमली, पानी और थोड़ा सा नमक लिया है. सॉल्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज अ मीडियम एब्रेसिव, एंड द टैमरिंड हैज सम एसिडिक कंटेंट इन इट नेचुरली, इट इज अ माइल्ड एसिड. तो ये दोनों चीजें मिला के हम इस पे रब करने वाले हैं आर्टिकल पे, ताकि ये हल्के से एब्रेशन और हल्के से एसिड से इसकी कुछ अमाउंट की टार्निश निकल जाए. Before you actually begin such practicals, we have placed a newspaper on the table. That is to protect my wooden surface. आप एक surface साफ कर रहे हो brass और नीचे table गंदी कर रहे हो. That is not the correct idea of housekeeping. So we have kept some newspapers so that we can just throw them after we have cleaned our surface. So you can use your hand to do this, or you could even use a little bit of Scotch Brite to hold this thing together. And then rub it nicely, okay? ये जो crevices हैं, इन सब में आपने अच्छे से इसको rub करना है, ताकि ये बहुत अच्छे से साफ होना शुरू हो जाए, ठीक है? इसमें आपको actually paste कम चाहिए और rubbing ज़्यादा चाहिए. मेहनत का काम है ये, ठीक है? So keep rubbing this article, and this is the traditional method. बेटा इसकी एक बहुत बड़ी advantage भी है. ये ना आप इसमें डिजाइन देखिए, क्रेवाइसेस हैं, ऊंची है, नीची है, ऊंची है, नीची है, क्रेवाइसेस हैं, लाइंस हैं. तो इसमें क्या होता है, अगर ये तो सिंपल डिजाइन है, अगर आपके पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो फूल पत्ती वाला, तो इस मेथड से ज्यादा साफ होगा. उसका कारण ये है कि इमली जो है वो क्रेवाइसेस के अंदर चली जाती है, ठीक है? जबकि जो हम मॉडर्न मेथड करेंगे ब्रासो, वो चली तो जाएगी, लेकिन फिर वो पूरी तरह कई बार निकलता नहीं है और गंदा रह जाता है, ठीक है? सो दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड मोर ऑफन. आप आईटी पे जाओगे तो अगर आप विलास प्रॉपर्टीज में, किसी पैलेस टाइप की प्रॉपर्टी में जाते हो, आप वहां देखोगे बहुत सारे दरवाजे होते हैं, कई आठ आठ दस दस फीट के, और उन दरवाजों पे नक्काशी या वर्क वाला ब्रास लगा होता है, विच नीड्स टू बी केप्ट क्लीन. तो ये हम सिर्फ थ्योरी या प्रैक्टिकल के लिए नहीं दिखा रहे हैं, इट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इन होटेल्स, राइट? सो आई एम गोइंग टू रब दिस रियली रियली नाइसली. ओके, एंड yes, I should wash it now. Moving further, ये ensure करना कि इस तरह के ये जो crevices हैं, इसमें आप अच्छी तरह cleaning करो, वरना ये गंदे रह जाते हैं और बाकी का जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो clean हो जाता है. So this is where I have done only this portion. I'm going to wash it now, clean it, and then we will see how it works.
वॉश दिस आर्टिकल इन वाटर, तो थोड़ा सा वाइप कर लेते हैं। आपको फर्स्ट बेसिक फ़र्क तो यही पता चल जाएगा, वी विल जस्ट शो यू हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स एंड देन वी विल मूव टू द कंटेम्प्रेरी और द मॉडर्न मेथड। सो प्लीज चेक दिस पर्टिकुलर लाइन दैट यू सी, दिस इज द एरिया दैट आई जस्ट क्लीन एंड रब्ड एंड दिस इज द एरिया विच हैज नॉट बीन रब्ड। सो आई होप द डिफरेंस इज ऑलरेडी विजिबल टू यू। वी कैन इन्हांस इट फर्दर बाय यूजिंग द कंटेम्प्रेरी पॉलिश। सो दिस इज द पॉलिश दैट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज कॉल्ड ब्रासो, दैट इज द ब्रांड नेम एंड इट सेज मेटल पॉलिश। एक्चुअली सी दिस इज अ मल्टीपर्पज थिंग, इट इज गुड फॉर ब्रास, कॉपर, जिंक एंड स्टील। तो आप चारों तरह के आर्टिकल इस पर्टिकुलर पॉलिश से कर सकते हो ताकि वो शाइनी से हो जाए। ठीक है, तो जब भी आपने पॉलिश यूज करनी है आपको सबसे पहले अपना आर्टिकल बिल्कुल क्लीन करना है। यानी ये तो चलो हमने अभी धो लिया, अगर आप कोई और आर्टिकल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो हैं उसको अच्छे से सोप या डिटर्जेंट से और पानी से वॉश करें और ड्राई करें बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिश। ओके, सो नाउ दिस आर्टिकल इज ड्राइड। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई टेक सम कॉटन, रुई कॉमन, ठीक है, रुई से हम थोड़ी सी पॉलिश लगाएंगे। बेटा इसमें भी ध्यान रखना है पॉलिश कम और रबिंग ज़्यादा चाहिए, लेस ऑफ पॉलिश मोर ऑफ रबिंग, दैट इज द की टू दिस। आप बहुत सारी पॉलिश लगा लोगे तो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, थोड़ी सी पॉलिश ले रहे हैं, थोड़ी सी पॉलिश लेके हमने ये आर्टिकल पे ऐसे लगा दी है। ये देखो अभी ऑलरेडी टार्निश उतरनी शुरू हो गई है, काला काला कॉटन पे आ गया। सो वी कीप दिस बॉटल, हमने आर्टिकल की क्लोज करके साइड करनी है ताकि गिरे नहीं। एंड देन वी टेक दिस पर्टिकुलर क्लॉथ, ये आपकी किट में आया होगा, दिस इज कॉल्ड अ बफिंग क्लॉथ। दिस ये जो कपड़ा है इसको फ्लैनल बोलते हैं, FLANEL, और मार्केट में आपको ये बफिंग क्लॉथ के रूप में मिलता है। तो बेटा ये कपड़ा आप फोल्ड कर लीजिए नीटली नाइसली कि आपके हाथ में कन्वीनियंटली एक साइड आ जाए, और यहाँ जहाँ आपने पॉलिश लगाई है इसको आपने ऐसे रब करना है। और ये बफिंग ज़्यादा है पॉलिश कम है, जितना ज़्यादा रब करोगे ये उतना ही चमकता रहेगा। सी दिस इज टार्निश। ओके, सो यू नीड टू कीप रबिंग, अभी क्लीन नहीं हुआ है, अभी आप देखो अभी मैं और रब करूँगी और गंदगी निकलेगी इसमें से। तो हमें आर्टिकल देखने में ऐसे लगता है कि बिल्कुल साफ है लेकिन होता नहीं है। सी स्टिल द टार्निश इज कमिंग आउट, और कितनी कम मैंने लिया था ब्रासो, तो केमिकल कम लगेगा, आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, कम केमिकल ज्यादा पफिंग, दैट इज द की टू दिस। नाउ आई होप यू आर एबल टू सी द डिफरेंस, ये एरिया क्लियर नहीं हुआ है। एंड नाउ व्हेन आई रोटेट See the shine this article has got. Correct? I hope you are able to admire the difference. So this is it. So what happens is, now this clean area, but still you know we have to make it chemically clean. Correct? Chemically clean, मतलब हमें दिख नहीं रहा है यहाँ, लेकिन अभी भी इस पर chemical कहीं ना कहीं लगा है। तो ये तो डेकोरेटिव आर्टिकल है, पर अगर आप कोई खाने की चीज ले रहे हो जिसमें आपने फूड रखना है, फूड सर्व करना है या फूड के पास रखना है, तो हमेशा केमिकली क्लीन करना है। यानी अब इस आर्टिकल को मुझे वापस सोप और डिटर्जेंट से वॉश करना चाहिए, वाइप करना चाहिए बिफोर आई कीप इट अलोंग विद एनी काइंड ऑफ फूड, बिकॉज अदरवाइज दीज काइंड ऑफ केमिकल्स आर पॉइजनस इन नेचर एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। So traditional method is using this paste, tamarind and salt.
एंड मॉडर्न मेथड ऑफ ब्रास पॉलिशिंग इज यूजिंग अ केमिकल पॉलिश लाइक दिस विच गिव्स अस दिस काइंड ऑफ रिजल्ट. ओके सो यू कैन ऑल्सो कंपेयर दिस क्लीन आर्टिकल विद दिस ब्रास बॉस विच वी डिड नॉट क्लीन. तो ये राइट साइड का एरिया देखो और लेफ्ट देखो, दिस इज नॉट क्लीन व्हाइल दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी पॉलिश्ड. थैंक यू ऑल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. बाय.